बाय हूम वाज इंडिया डिस्कवर्ड, भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा, फाहियान, अल्बेरोनी और इब्न बतूता। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था और जो डेट थी वो थी 20 मई 1498, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था। पुर्तगाली था ये और कालीकट, जो कालीकट समुद्र तट है वहां पर ये आया था पहली बार, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत के संवैधानिक मुखिया होते हैं। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट हैं तो वो हमारे भारत की संवैधानिक मुखिया हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको पता है। लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। तो ये आप याद रखना, मे बी आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोबा भावे जो थे ये पहले व्यक्ति थे भारत के जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करा गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, मैग्सेसे जो है इसे एशिया का नोबल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एशिया का नोबल के नाम से भी इसे जाना जाता है, मैग्सेसे अवार्ड को। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1957 में हुई थी, इसे एस्टैब्लिश करा गया था। और एक और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फैक्ट, वो ये कि इन्हें 1958 में दिया गया था, 1958 में, तो ये भी आप लोग याद करके रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूं ध्यान रख लेना, याद कर लेना, वो इसलिए बताता हूं क्योंकि एक क्वेश्चन में चार पांच क्वेश्चंस में करा दूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम था। सिविल डिसऑबेडियंस मूवमेंट जो कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चलाया, ये भी आप याद रखिएगा, ये 1930 में हुआ और इसके अंदर दांडी मार्च की गई थी गांधी जी के द्वारा और उनके और 78 अनुयायी थे उनके द्वारा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक और जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में ये मार्च हुई थी 24 दिनों की, ये भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। इसी टाइम पर महात्मा गांधी के साथ जुड़ी थी कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और ये भी सवाल नेवी में आता है। तो भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू जी को, तो ये भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा, गांधी जी ने ही ये नाम दिया था उनको। क्वेश्चन नंबर फाइव, वेयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था? सूरत, कोलकाता, मैसूर और बेंगलुरु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूरत में इन्होंने पहला कारखाना खोला और जो टाइमिंग थी यानी जिस टाइम पर इन्होंने खोला था वो लगभग 1613 की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन विच गेम इज द वर्ड बुली यूज्ड, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये सवाल हर बार पूछा जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी के अंदर बुली का यूज किया जाता है। अब आपने बुली शब्द का प्रयोग तो जान लिया होगा, कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा ये, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रीस्टार्ट, यानी खेल को फिर से स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये बुली का मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच इंडियन एथलीट इज फॉन्डली कॉल्ड एज फ्लाइंग एंजल और फ्लाइंग फेरी, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? हीमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा एंड मैरी कॉम। एंड जो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा अमॉन्ग द वेदास, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, प्राचीन है, साथ ही साथ हमारे जो नंबर ऑफ वेदास हैं वो चार हैं, ये भी आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु लेड द बारदौली मूवमेंट ऑफ 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने भेजा था बारदौली में। जो ये आंदोलन हुआ था ये बेसिकली एक किसान आंदोलन था और इसमें इन्होंने ही पार्टिसिपेट करा था, इसको ही इन्होंने ही लेड करा था, यानी कि इन्होंने ही नेतृत्व करा था इसका। और बारदौली की ही महिलाओं ने इनसे प्रभावित होकर, इनसे खुश होकर इन्होंने बचा लिया था किसानों को अंग्रेजों से, तो इनको नाम दिया, इन्हें उपाधि दी सरदार की। तो जो सरदार की उपाधि इन्हें मिली है इन्होंने ही दिया था यहाँ की महिलाओं ने, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज फर्स्ट वुमन आईपीएस हू आर द ऑफिसर, यानी कि इंडियाज फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन थी ये बताना है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी सरोजिनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजू मारा और किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी किरण बेदी पहली आईपीएस अधिकारी। आईपीएस का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं नेवी एमआर एसएसआर के लिए, तो मॉक टेस्ट रक्षक ऐप से ही लगाना, ये इंडियन नेवी स्पेशल ऐप आप लोगों के लिए आ गई है, आपको सपोर्ट करना है इसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप जाइए, एमआर की डेमो मॉक अवेलेबल है, एसएसआर की भी जल्दी आ जाएगी और सारी मॉक्स भी अवेलेबल है। यहां पर प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेगी, फ्री क्विजेस भी आपको मिल जाएंगी और ये सब जो होगी फ्री होगी, लेकिन आपको मॉक टेस्ट के लिए पे करना होगा। अब पे कितना करना होगा, 349 रुपीज एक्चुअल प्राइस है इसकी, इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी आपको फायदा मिलेगा अगर आप मेरा कोड ABSTUDY50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को 175 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, आप जाकर लगाइए, चेक कीजिए डेमो और उसके बाद मुझे बताइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, जरूर परचेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर और केरल। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड जो है इस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 12, बांदीपुर सैंक्चुअरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बांदीपुर अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में है ये बांदीपुर अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्पोर्ट इज द वर्ड डर्बी एसोसिएटेड, ठीक है, डर्बी शब्द का संबंध किस खेल से है, घुड़दौड़, गोल्फ, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी घुड़दौड़ से संबंधित है, हॉर्स रेसिंग जो होती है उसी से संबंधित है डर्बी, डर्बी इज रिलेटेड टू हॉर्स रेसिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालिदास जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, 1949 में, 51 में, 52 में और 67 में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 में, 1951 में पहली बार भारतीय संविधान को संशोधित करा गया, पहला संशोधन 1951 में करा गया। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अबुल कलाम आजाद। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कानून मंत्री पहले कौन थे, अंबेडकर साहब थे, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार से अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे देश के, एजुकेशन मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर, पहले वाइस पीएम, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
एस राधाकृष्णन जो थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, पहले उपराष्ट्रपति. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच रिलीजन डिड एम्परर अशोका एक्सेप्टेड आफ्टर द कलिंग वॉर. कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म. इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा. बुद्धिज्म में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया. कभी कभी आ जाता है कि जो ये लड़ाई हुई थी, जो ये कलिंग युद्ध हुई थी, ये कब हुई थी? तो 261 ईसा पूर्व हुई थी. ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, मिसिसिपी और यांगजी. इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये पड़ती है. और एक और चीज आप याद रखिएगा, मिस्र जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, इसे नील नदी की देन के नाम से जाना जाता है. यह सवाल भी आ जाता है, किस देश को नील नदी की देन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल समिति ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रूरल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग. इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. इसकी स्थापना 1961 में हुई थी. ये फुल फॉर्म आप याद करके रख लेना. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ लैन, यानी कि लैन का संक्षिप्त रूप, लैन जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स और लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, ये आपको बताना है. और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है लैन को. ओके, ये सवाल भी आ सकता है एग्जाम में. 21, दुनिया में सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस. इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है, याद रखिएगा. 22, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक जो कि दूध उत्पादक है वो कौन सा देश है? ब्राजील, अमेरिका, चीन और भारत. इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिया जो है वो 22-24% वर्ल्ड के दूध का उत्पादन करता है. ये आप लोग ध्यान रखिएगा. ठीक है, श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है जो दुग्ध क्रांति हुई हमारे यहां. श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है. ठीक है, 1970 के दशक में हुई थी. और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, वो है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश हमारा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान. दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? सुवा, जुबा, खार्तूम और ताइचुंग. इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुबा इज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान. और ये सवाल 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, 100%. 24, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस. कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी. इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, व्योमेश भी लिखा होता है, व्योमेश भी बोला जाता है इन्हें. ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष बनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये आप लोग ध्यान रखिएगा. मुंबई में स्थापना हुई थी, डेट क्या थी? 28 दिसंबर और 1885. और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के वो बदरुद्दीन तैयब जी थे. इन्हें 1887 में बनाया गया था, जो कि तीसरे अध्यक्ष भी थे. ये भी याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, 25, व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड. एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 1 मई को और 5 जून को. इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है और लोगों को जागरूक करा जाता है एड्स से. और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा. तो 25 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए इसके. होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी. कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना. लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का. टेलीग्राम पर ये इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है, ये स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग ग्रुप और स्टडी विद अभिषेक मेन चैनल, इन तीनों को ज्वाइन करके रख लो, आपकी सफलता की गारंटी है. और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको रक्षक ऐप से ही लगाना है. रक्षक The Instant Success आपको यहीं से लगाना है. डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है. AB Study 50 यूज करोगे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो ज्वाइन करो, फायदा उठाओ. इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ. तब तक अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो. थैंक यू सो मच एवरीवन. जय हिंद.